ओके गाइस, सो जैसे कि टाइटल एंड थंबनेल पे आपको देखा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा संजय दत्त का घर. या गाइस, जहाँ पर उनका पहला वाला घर था, लाइक उनके जो मम्मी पापा घर देते हैं, उनका जो भी अपार्टमेंट है, उनका क्या एड्रेस है. अगर आप मुंबई महाराष्ट्र आते हो एंड संजय दत्त का घर आना चाहते हो, तो अभी मैं आपको फुल एड्रेस बताऊंगा एंड उनका पूरा घर बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ कोर्स मैं आपको सबसे पहले उनका घर दिखा देता हूँ, वो कहाँ रहते हैं, कौन सा अपार्टमेंट में रहते हैं एंड भैया उसके बाद मैं आपको एड्रेस भी बता दूंगा. सो चलो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ कोर्स उनका पहले आपको कॉलोनी बताता हूँ एंड फिर बताऊंगा इस कॉलोनी पे उनका घर कहाँ है. फर्स्ट ऑफ कोर्स आप लोग देख सकते हो, वो वहाँ से कॉलोनी अंदर आता है एंड आप इस घर पर देख सकते हो, ये पूरा कॉलोनी है इधर पर. सो गाइस आप उधर पर से देख सकते हो, ये सब इधर पूरा, ये कॉलोनी ये सब पूरा घर द्वार. एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि संजय दत्त का घर कौन सा है. फर्स्ट ऑफ कोर्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में भाई लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं. ओके तो देख लो, वही वो भाई वीडियो फुटबॉल वगैरह खेल रहा है, कैमरा देखा तो वो शायद अंदर चल गया. ओके तो गाइस यही है संजय दत्त का जो अपार्टमेंट होता है एंड गाइस संजय दत्त इसी अपार्टमेंट पर रहते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो अपार्टमेंट है, इससे पहले यहाँ पर बंगला हुआ रहता था, बट जब संजय दत्त का लाइक कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम, वो बंगला को तोड़ ताड़ के ये अपार्टमेंट को खड़ा किया गया है और ये पूरा अपार्टमेंट संजय दत्त का है. मैं आपको अपार्टमेंट का नाम दिखा देना चाहूंगा, ये देख लो भैया अपार्टमेंट का बोर्ड, इंपीरियल हाइट्स, इंपीरियल. अच्छा अच्छा आप इस बोर्ड का नाम देख सकते हो, इंपीरियल हाइट्स, आप इस चीज को देख सकते हो. ये है भाई इस अपार्टमेंट का लाइक नाम. और गाइस इस अपार्टमेंट का वो जो आप देख रहे हो ना, लाइक जहाँ पर पेड़ वगैरह है, वो जो पेड़ वगैरह है वहीं पर संजय दत्त स्टे करते लाइक रहते. ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया एंड जितना भी लाइक है ना, यहाँ पर से 2-3 पूरा खरीद लिया है कोई कोई एंड बाकी सारा चीज रेंट पे. ओके अब आप लोग जानना चाहते हो कि एड्रेस कहाँ है भैया संजय दत्त का, मैं आपको एड्रेस पूछ के बताता हूँ अंकल भाई से. भाई से क्या है एड्रेस? पाली हिल. और नगदीशिया रोड. नरगिस दत्त. नगरीश दत्त. नरगिस दत्त रोड. गाइस ये एड्रेस है नरगिस रथ रोड. नरगिस दत्त संडे संजय दत्त हुआ ना, पाली हिल मम्मी का नाम था ना. हाँ, पाली हिल नरगिस दत्त रोड. पाली हिल नरगिस दत्त रोड. फुल एड्रेस है आपका पाली हिल नरगिस दत्त रोड. गाइस ये इसका फुल एड्रेस मान के चल सकते हैं. कॉलोनी का जो ये नाम है वो आप इस चीज को देख सकते हो. ये गेट के अंदर जाने के बाद आपको काफी सारा कॉलोनी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है एंड ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब सारा जो ये जो अभी मैं आपको नाम बताया नरगिस दत्त रोड, ये उनका माँ का नाम था. लाइक जो संजय दत्त का मम्मी थी उनका नाम ही ये चीज था एंड ये जो पूरा कॉलोनी बसा हुआ है उनके मम्मी के नाम से ही है. सो गाइस अगर आप मुंबई महाराष्ट्र आ रहे हो, संजय दत्त के फैन हो, सो गाइस आप लोग इधर पर आ सकते हो. लाइक उनका जो पूरा बचपन है वो यहीं पर गुजरा है, इसी रोड पे, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर संजय दत्त बचपन में खेला करते थे. एंड संजय दत्त का आप जो फिल्म देखे थे वो लाइक जो था ना कि वो बाहर से बाहर चल जाता है, गंजेड़ी वंजेड़ी बन जाता है एंड फिर जब वो आता है तो उसकी मम्मी पापा चढ़ जाती है एंड उसका जो फ्रेंड रहता है वो उसको ड्रग्स दे रहा होता है, वो इधर ही का वो लोकेशन है. आपको पता होगा जो संजू मूवी में था वो यहीं पर शूट हुआ था, कहीं का चल के मान सकते या फिर कहीं साइड वेड बना होगा. सो गाइस व्लॉग पे जितने ही रखते हैं, मुंबई महाराष्ट्र आ रहे हो तो मैं आपको फुल लोकेशन बता ही दूँ, आप लोग इधर पर आ सकते हो. वो जो ऊपर है लाइक जहाँ पर आपको घास वगैरह दिख रहा है, लाइक जो पेड़ वगैरह है, जो फर्स्ट सेकेंड पे जाके आपका फर्स्ट फ्लोर पे, वो संजय दत्त का ही है. तो गाइस आज के व्लॉग पे इतने रखते हैं, व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो बस यार आज के लिए इतना ही. गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमें मारा जा रहा है.